पीपीगंज थाना क्षेत्र के कुदरिया बंधे पर बुधवार को एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव काफी दिनों पुराना लग रहा था, शव काफी विक्षिप्त हो गया था। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। मौके पर पहुंचे एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जल्द ही घटना के खुलासे का आश्वासन दिया। मृतक की पहचान चिलुआताल थाना क्षेत्र के सोनबरसा निवासी 20 वर्षीय नुकुल पुत्र श्रवण के रूप में हुई है। चूंकि शव पीपीगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुआ, मगर चिलुआताल में गुमशुदगी दर्ज होने की वजह से चिलुआताल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मृतक की शादी महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के होड़रा में 15 दिसंबर को हुई थी। मृतक मजदूरी कर जीवन यापन करता था। शिवरात्रि के दिन बृहस्पतिवार को शाम मृतक नकुल अपने पड़ोसी के घर ब्रह्मभोज के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। देर शाम किसी परिचित का फोन आने पर कुछ देर में वापस आने की बात कहकर वह अपने पिता की बाइक लेकर चला गया, मगर देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन के बाद दूसरे दिन 12 मार्च को चिलुआताल थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद बुधवार को युवक का शव बरामद हुआ। युवक की जीभ बाहर निकली हुई प्रतीत हो रही थी, जिसके आधार पर गला दबाकर हत्या करने की संभावना नजर आ रही है। मृतक के दोनों हाथ के पंजे गायब व दाहिना पैर घुटने से गायब था। ऐसा लग रहा था कि जानवरों द्वारा शव को छत विछत किया गया हो। इसके अलावा मृतक के दाहिने हाथ पर एनके गुदवाया हुआ पाया गया था। मृतक की बाइक व मोबाइल दोनों गायब है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और जल्द ही घटना का खुलासा हो सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज आईपीएस राहुल भाटी ने कहा, थाना चिलुआताल में 11 मार्च को एक व्यक्ति जिसका नाम नकुल बिल्डर है, उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी और आज दिनांक 17 को सुबह 8 बजे सूचना मिली कि चूटा बंदे के पास एक क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था में एक व्यक्ति की लाश मिली है। तो जब उसकी शिनाख्त की गई तो उसकी युवक की पहचान नकुल निवासी सोनबरसा थाना चिलुआताल के रूप में हुई और मृतक का जो शव था काफी क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था में था और मृतक के पास जो बाइक और फोन था वो घटनास्थल से गायब था। और दूसरी बात ये कि जब CDR उसकी खंगाली गई तो मृतक का फोन उसी दिन से बंद था, उसकी गुमशुदगी वाले दिन से ही बंद था। और घटना स्थल का प्रेक्षण स्पिनॉट द्वारा, सर द्वारा भी किया गया, मेरे द्वारा किया गया, SSP सर द्वारा किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो इंजरीज है उनकी हेड इंजरीज से उसकी मौत हुई है और अब CDR और बाकी अन्य इनफॉर्मल वे से घटना को खोलने की पूरी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसमें कोई टैटू वगैरह भी उसके? एक्चुअली उसका नाम नकुल कुमार है तो उसके हाथ पर टैटू बना था NK। तो ये इस टैटू की जो शिनाख्त है उनके घर वालों ने भी की, उसके भाई ने भी की, पिता ने भी की, ये NK हाँ यही व्यक्ति है। इस टैटू के आधार पर उस व्यक्ति की शिनाख्त हो पाई कि ये नकुल कुमार ही है, क्योंकि शव की हालत जो थी वो बहुत ही विक्षिप्त थी, कम से कम 5 या 6 दिन पुराना ही शव था। सर, इसमें क्या कोई प्रथम दृष्टया किसी को पुस्तक गया है? नहीं, प्रथम दृष्टिया जैसे कुछ नाम आ रहे हैं तो उनसे फिर पूछताछ की जा रही है, कंडीशन किसी ने हत्या की हो या कुछ और कुछ एंगल हो, तो उन सारी डायरेक्शन में सारी लीड्स में काम किया जा रहा है। CCTV खंगाले जा रहे हैं, PDR एनालिसिस किया जा रहा है।